हाय एवरीवन, तापुस कॉर्नर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ डलगोना लस्सी। इस लस्सी में आपको श्रीखंड का भी टेस्ट आएगा। तो लस्सी बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे लेना है 250 ग्राम दही। तो यहाँ पे मैंने एक बोल लिया है और इसके ऊपर एक पतला कॉटन का कपड़ा रख देंगे और ये सारे दही को कपड़े के ऊपर डाल देंगे और इसके बाद आप कपड़े को बांधकर कहीं ऊपर में लटका दीजिए 2 घंटे के लिए। इसमें दही का जो पानी है वो सारे निकल जाएगा और हमें हंकर मिल जाएगा। तो देखिए 2 घंटा हो चुका है और दही का जो पानी है वो सारा निकल गया और एकदम गाढ़ा हंकर हमें मिल गया है। और अब हम ये हंकर को एक बोल में निकाल लेंगे और इसे एक स्पून या विस्कर की हेल्प से एकदम स्मूथ कर लेंगे। फिर हम इसमें 3 टेबलस्पून चीनी का पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप अपना हिसाब से यहाँ पे चीनी ऐड करिएगा। तो देखिए ये डलगोना क्रीम बनके तैयार हो गया है। अब इसे हम फ्रिज में रख देंगे, तब तक हम लस्सी बना लेंगे। तो लस्सी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है एक बड़ा बोल और बोल में मैं डाल रही हूँ 500 ग्राम दही और दही में मैं डाल रही हूँ 5 बड़ा चम्मच चीनी का पाउडर। हम इसमें 3 फ्लेवर का लस्सी बनाएंगे बोल के एक साथ ही दही ले लिए। फिर हम इसमें लेंगे 1/2 कप उबला हुआ दूध। ये ना गर्म है ना ज्यादा ठंडा। अब हम एक मथनी लेंगे और इसे इस तरह से फैट ले रही हूँ। आप चाहे तो मिक्सी में भी कर सकते हैं, लेकिन मिक्सी में करने से लस्सी पतली हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना स्मूथ और गाढ़ा है। अब इसी टाइम में मैं डाल दूंगी थोड़ी सी आइस और इसे लगातार चलाते रहिए। तो ये देखिए लस्सी बनके तैयार हो गया है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे डलगोना रोज लस्सी। तो उसके लिए हमें एक बोल लेना है और यहाँ से लगभग 1 ग्लास लस्सी हमें डालना है। तो लस्सी में मैंने पहले ही चीनी मिला दिया था। अब इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून रोज एसेंस और इसे मिक्स कर लेंगे। और अब हम एक छोटा बोल लेंगे और जो हंकर तैयार किए थे इसे श्रीखंड भी बोलते हैं और इसी से हम 2 टेबलस्पून लेंगे हंकर और 2 टीस्पून लेंगे रोज सिरप और इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए अब हम 1 ग्लास लेंगे और जो डलगोना रोज क्रीम बनाए हैं उसे पूरा डाल देंगे और अब इसमें जाएगी ये लस्सी। तो ये देखिए डलगोना रोज लस्सी बनके तैयार हो गया है। देखिए ये देखने में भी जितना सुंदर लग रही है खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। तो चलिए अब हम बनाएंगे डलगोना रॉ मैंगो लस्सी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है एक कच्चा आम और इसे पहले हम छील लेंगे और 2 मिनट के लिए थोड़ा बॉईल कर लेंगे। इसमें आम का जो खट्टापन है वो चला जाएगा। तो आम को मैंने एक मिक्सी जार में डाल लिया है और साथ ही मैं डालूंगी 1/4 कप पुदीना पत्ता, 1/2 टीस्पून काला नमक और 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और इसका मैं एक पेस्ट बना लूंगी। तो देखिए आम का पेस्ट बन गया है। अब इसे एक बोल में निकाल लेंगे। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून हंकर देके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम 1 ग्लास लेंगे और जो डलगोना रॉ मैंगो क्रीम बनाए हैं उसे पूरा डाल देंगे। फिर मैं इसमें डालूंगी ये लस्सी। तो ये देखिए डलगोना रॉ मैंगो लस्सी बनके तैयार हो गया है। आप इसे ट्राई करिएगा। अब हम बनाएंगे डलगोना चॉकलेट लस्सी। तो इसके लिए एक बोल में मैं डाल रही हूँ 1 ग्लास लस्सी, साथ ही इसमें जाएगा 1 टीस्पून वेनिला एसेंस और इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम एक बोल में 2 टेबलस्पून हंकर ले लेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून चॉकलेट सिरप। अगर आपके पास चॉकलेट सिरप नहीं है
तो आप चॉकलेट मेल्ट करके भी डाल सकते हैं या तो कोको पाउडर भी डाल सकते हैं। तो देखिए डालगोना चॉकलेट क्रीम बनके तैयार हो गया है। और अब हम फिर से एक ग्लास लेंगे और डालगोना चॉकलेट क्रीम को डाल देंगे। तो देखिए मैंने पूरा चॉकलेट क्रीम को डाल दिया है और अब हम इसमें डालेंगे ये लस्सी। तो ये देखिए लस्सी मेरा बनके तैयार हो गया है। तो देखिए तीनों फ्लेवर का लस्सी बनके तैयार हो चुका है। ये लस्सी बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज आप इस रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें।